जिंदगी में बहुत सारी गलतियां की, लेकिन सबसे बड़ी गलती की घर वालों के सामने चाय बनाने की। पहली बार चाय बनाई ये सोच के लोग वाह वाह ताज करेंगे, अजी कद्दू मेरा, इनने तो मेरी ही ताज के बाहर दुकान खोलने की प्लानिंग कर ली। छोटू चाय वाला, बेटा अंकल आए, अंकल के लिए चाय बना दो। साला पांचवी बार आ रहा, इसकी चाय में मिर्च डालूं? हे गूगल, मेरे सर में दर्द हो रहा है। कैंसर है तुमको। मेरी टांग में भी दर्द हो रहा है। गई कटेंगी ये तो। कैंसर? मेरी कमर में दर्द है। ओ, ये तो कमर का कैंसर है। मुझे समझ नहीं आता भाई, ये मेरे साथ अकेले के साथ होता है या तुम लोग भी पिसते हो? क्योंकि भाई मैं जब तक खड़ा होकर घूमता रहूंगा अपने घर में, कोई काम याद नहीं आता मेरे घर वालों को, बिल्कुल गजनी बने रहते हैं। लेकिन जैसे ही मैं जाके बेड पे लेटा, सारे काम याद आ जाते हैं भाई। सारे बर्तन धोते, कपड़े धोते, झाड़ू लगा दे, पोछा लगा दे, कुत्ता नहला दे, घोड़ा नहला दे। घोड़ा नहीं है तो उनकी क्या गलती भाई साहब, हमारी गलती है। खरीद के लाओ जब नहलाओ। लेकिन बेड से उठो क्या भाई? क्या ये ट्रायंगल है? हाँ पक्का ना? क्या प्रूव कर, चलिए ट्रायंगल है। अब प्रूव क्या करूँ इसमें? अबे शकल देखना इसके, अकल के अंधे, इस शेप का सर्कल थोड़ी ना बनाएगा कोई, ट्रायंगल ही तो होता है ये। मैं नहीं मानता। दूसरी कंट्री में जब किसी को बताते हैं कि तुम ज्यादा पतले हो, ब्रो यू आर सो स्लिम, यू शुड गेन सम वेट, इंडिया में कैसे बताते हैं कि तुम पतले हो? ओए मेरी बात सुन, अपनी जेब में ना चिल्लर रखा कर, हवा चल रही उड़ जाएगा तू। बहन मेरी स्कूटी में बस 2 डंडी पेट्रोल बचा, खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगी, धक्का मारना पड़ेगा, भरवाना पड़ेगा पेट्रोल। भाई बाइक की टंकी 2 हफ्ते से खाली है, रिजर्व पे चल रही है, क्या बोलता है पेट्रोल डलवाए? अभी तो और चलेगा, अभी तो और चलेगा। टीचर अगर आप किसी ने आवाज करी तो लड़कियों के पास बैठना पड़ेगा। सेकंड और थर्ड क्लास में लड़के, नहीं मैडम नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती, वो लड़कियां नहीं है, वो चुड़ैले काट लेंगी हमको, आप कहो तो हम घर पे भी नहीं बोलेंगे। 9th-10th में लड़के, मैं बैठूंगा मैडम। मैडम आप कहो तो वही बैग लेके शिफ्ट हो जाता हूँ। जब घर में हमसे कोई सामान गिर के टूट जाए, बैठे मौज कर दी जब मम्मी से गिर के सामान टूट जाए, चल अपना काम करना। राम और श्याम दोनों भाई हैं। अच्छा, दोनों रहते भी एक ही जगह पे। बढ़िया बात है। ये बताओ रमेश किसका लड़का है? तेरे मामा का लड़का है रमेश, ये कहाँ से आया बीच में? वो मुझे नहीं पता, वो तू ढूंढ, तेरा काम है। तेरी पागल की लक्ष्मी माता बाप लगा दी। चलो बताओ सबसे तेज आंखों के सामने से क्या जाता है? अमेरिका का प्लेन, जापान की ट्रेन? अजी जरूर इन सबसे तेज जाता है गैस पे रखा हुआ दूध। मैं 1 घंटे से दूध को उबलते हुए देख रहा हूँ कि आज तो निकलने ही नहीं दूंगा, ऐसे पड़ा है जैसे डेड बॉडी। जैसे ही मैंने 1 सेकंड के लिए साइड में देखा, डेड बॉडी उठ के भाग गई, बाहर निकल गया। क्या भैया मैं नहीं खेल रहा। जब स्कूल जाते हुए बस खराब होती थी, ओए ओए, जब घर जाते हुए बस खराब होती थी, ये कैसे खराब हुई? इसको ठीक कर, मतलब छिंचन निकल जाएगा, घर छोड़ के जल्दी। जो लोग भी ये सोचते हैं ना कि हम इंडियन बच्चे ढंग से काम नहीं करते, अबे तुम्हें पता ही क्या, हम इतना बढ़िया काम कर दे लेकिन करते नहीं है जान के, क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पता है कि अगर हमने एक बार बढ़िया काम कर दिया ना घर में, तो आगे से वो हमें करना है। क्यों? क्योंकि हम बढ़िया करते हैं। फॉर एग्जाम्पल चाय बनाना, अगर तुमने घर में एक बार गलती से बढ़िया चाय बना दी तो भैया तुम्हारी हो गई सीट बुक, आगे से तुम ही बनाओगे, बढ़िया बनाते हो। बेटा मान ले तू टावर पे चढ़ा हुआ है बेफालतू में, ठीक है, नीचे जमीन पे एक घर से वेला इंसान खड़ा है, उसको 60 डिग्री के एंगल पे देखो, 60 डिग्री, और कैंची थ्योरम लगा के बताओ उसकी टांट पे बाल कितने हैं।